बीएमसी का बुलडोजर पहुंचेगा अब करण जौहर के बेस्ट फ्रेंड के घर। जी हां, आपको बता दें कि कल बीएमसी ने कंगना रनौत के ऑफिस पर जेसीबी चलाई थी, काफी कुछ तोड़फोड़ की गई है, बहुत वीडियोस आई है और बीएमसी को भी बहुत क्रिटिसाइज किया गया है। और अब बीएमसी का अगला निशाना है करण जौहर का बेस्ट दोस्त मनीष मल्होत्रा। सिर्फ करण के ही बेस्ट फ्रेंड नहीं है बल्कि पूरी इंडस्ट्री की एक्ट्रेसेस के बेस्ट डिजाइनर है मनीष मल्होत्रा। सारी ए लिस्टर एक्ट्रेसेस अक्सर मनीष के घर और ऑफिस पर नजर आती है, आते जाते उनकी पार्टीज के लिए और अपने नए कॉस्ट्यूम्स के लिए। ऐसे में मनीष मल्होत्रा को बीएमसी ने 7 सितंबर को एक नोटिस इशू किया है। मनीष मल्होत्रा ने बांद्रा में अपने घर पर कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन करवाया हुआ है। उन्होंने अपने घर में ही अपना ऑफिस बनाया हुआ है जिसके लिए उन्होंने कुछ ऐसा एडिशन किया है जो कि बीएमसी के प्लान के अकॉर्डिंग अनऑथोराइज्ड है। बीएमसी ने मनीष मल्होत्रा को नोटिस इशू कर दिया है कि एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को उन्होंने कमर्शियल यूज कैसे लिया। आपको बता दें कि मनीष मल्होत्रा बांद्रा के पाली हिल के उस एरिया में रहते हैं जहां पर काफी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज रहते हैं। रणबीर कपूर का घर वहां पर है, दिलीप साहब का घर वहां पर है, संजय दत्त वहां पर रहते हैं, उसी जगह पर मनीष मल्होत्रा का भी घर है और उन्होंने घर में ही ऑफिस खोल रखा है जिसके लिए उन्होंने कैबिन्स बनवा रखे हैं, पार्टीशंस बनवा रखे हैं और एक्स्ट्रा शेड लगाया हुआ है। और अब इन्हीं सब चीजों को बीएमसी ने अनऑथोराइज्ड बताया है। बीएमसी ने इस नोटिस का जवाब देने के लिए मनीष मल्होत्रा को 7 दिन दिए हैं। सोचिए, कंगना को तो सिर्फ 24 घंटे मिले थे जवाब देने के लिए और कंगना नहीं पहुंची, उससे पहले उसका ऑफिस ध्वस्त हो गया। हालांकि मनीष मल्होत्रा को 7 दिन दिए हैं, 7 दिनों के अंदर मनीष मल्होत्रा को इन सभी सवालों का जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो उनका भी ये ऑफिस डिमोलिश कर दिया जाएगा।